संतोष सर, कल जो रिजर्व बैंक ने बाजार को एक तरीके से हिला दिया, पूरा एक शेकअप कर दिया, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही सरप्राइजिंग से चीजें, और उसके चलते बाजार का मोमेंटम हमने देखा है। फिलहाल क्या राय है ओवरऑल इस पूरे आरबीआई के इस चीज पे, जो स्टेप पे जो आरबीआई ने लिया, और उसके अलावा इसका असर लॉन्ग टर्म में बाजार में कैसे देखते हैं? देखिए अलग जी, लास्ट टाइम जब हम आपसे बात कर रहे थे तो हम ये आपसे बता रहे थे उस समय कि जिस एक जो यील्ड है वो 1% इंटरेस्ट बढ़ने के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि तो अगर आप बैंकिंग जो जो ऑफर कर रहे हैं ये लोग फिक्स डिपॉजिट्स में या जो कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हैं, वो वहां से आपको देखेंगे एक डिफरेंस दिख रहा था, और वो डिफरेंस चूंकि बार बार डिफाई कर रहे थे आरबीआई के गवर्नर, लेकिन उन्होंने चूंकि इन्फ्लेशन काफी बढ़े हुए हैं, लेकिन वो कौन सी बात थी कि 14-15 दिन के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होते हुए उन्होंने देखा है, और जिसके कारण कि आपातकालीन कह लें कि एक इमरजेंसी मेजर लेकर उन्होंने इस चीज को बढ़ा दिया रेट को। ठीक है, मार्केट जो है, अगर मार्केट के लिहाज से अगर हम देखें तो चूंकि मार्केट में ये कंफ्यूजन था कि रेट तो बढ़ने चाहिए लेकिन यहाँ बढ़ नहीं रहे हैं, उस लिहाज से मार्केट थोड़ा स्केप्टिकल था लग रहा है, और मार्केट में वो क्लैरिटी अब शायद नजर आ रही है। कल जो है कॉन्फ्लुएंस ऑफ इवेंट्स थे काफी, मतलब अचानक से आरबीआई का और शेड्यूल्ड मीटिंग थी फेड की, फेड मीटिंग में भी उन्होंने थोड़ा सा डॉविश आउटलुक दिया है, जिसके कारण की लग रहा है कि बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन नहीं होगा शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण, और उसके कारण हम देख रहे हैं कि नैसडैक में डाउ से ज्यादा उछाल देखने को मिला, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर कम बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं उस केस में जो हाई पीई स्टॉक्स हैं जहां पर अर्निंग्स ज्यादा होती है वो स्टॉक ज्यादा फायदेमंद होते हैं, तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि जहां हाई मल्टीपल्स थे या आईटी सेक्टर के जो भी स्टॉक्स हैं वहां पर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। और एक क्लैरिटी एलेक्जी निकल के आ चुकी है ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट फ्रंट पे, हो सकता है कि थोड़ा ये और बढ़ा दें, लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन की चिंताएं दूर होगी मुझे लगता है कि शायद फिर से ये बैक ट्रैक पे जाएं और फिर नीचे कर दें इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ग्रोथ हमेशा यहाँ के गवर्नमेंट में या यहाँ के रेगुलेटर्स के मन में है कि ग्रोथ हमेशा रहनी चाहिए, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ग्रोथ में थोड़ी सी असर पड़ती है, लेकिन आरबीआई का जो मेन मुद्दा होता है वो इन्फ्लेशन को टेकर करना होता है, तो उन्होंने अपना एक कदम उठाया है उस लिहाज से। मुझे लगता है कि क्लैरिटी ज्यादा ही वर्ज हो रही है, जिसके कारण कि आज मार्केट थोड़ा बॉयंट है, और पिछली मरतबा जब हम आपसे मिले थे और बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये जो मौका है 15,000 कह लें कि 600 के आसपास का जो बॉटम हमने देखा था, उसके बाद हमने जो उछाल देखी 18,000 के आसपास का, फिर से करेक्शन देख रहे हैं। बॉटम को अगर हम कह लें कि साइकोलॉजिकली समझना चाहें या फिर अदरवाइज भी देखना चाहें, तो बॉटम हम तभी मानते हैं जब दो पॉइंट्स मिल जाए हमें, और फर्स्ट पॉइंट मिलने से हम उससे बॉटम नहीं मान सकते, फिर वो वी सेपरेट होगा, वो बॉटम नहीं होगा, ये वो दूसरी चीज होगी, वो वी सेपरेट दिख रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज के बीच में मैंने कहा था आपसे कि 16,600 16,800 काफी इम्पोर्टेंट जो कि सपोर्ट जोन है मार्केट, ठीक अगर आप देखें जो कल का लो हुआ है 16,624 के आसपास का लो है, और वहां से मार्केट एक बार घूम रहा है फिर से, क्योंकि अब आपके कहने की होराइजन थोड़ी क्लियर हो रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट या हमारी आरबीआई क्या करने वाली है। केवल एक चिंता अभी और भी है मार्केट में जो कि वॉर फ्रंट से है, जो कि अभी भी वहां पे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मतलब 50% डन, तो मार्केट इसलिए शायद बॉइंट है। मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने आपसे बताया था कि इस लेवल पे आपको अच्छे स्टॉक्स और बढ़िया चीजें चुन के रखनी चाहिए, काफी अच्छे दाम पे मिल रहे थे कल, तो मुझे लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 16,600 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि उसके बाद फिर बॉटम की जो डेफिनेशन होगी वो थोड़ा और नीचे, मतलब डबल बॉटम की तरफ हम चल जाएंगे, जहां पर भी 700-800 पॉइंट और निकल सकता है मार्केट में, अदरवाइज उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि जो करंट मार्केट सिनेरियो में मार्केट गिरना चाहिए इससे ज्यादा। ये एक ओवरऑल व्यू और किस तरीके से काम करना चाहिए और क्या हुआ है और उसका क्या असर हो सकता है, ये सारी चीजें संतोष ने हमें समझा दिया। सर, इस बॉटम में अगर हम ये समझें कि अभी कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं है, बहुत कुछ ऐसा नहीं है जैसे, और
बहुत सारी होपफुल वाली, बहुत सारी आशा वाली चीजें आप बता रहे हैं हमें, तो क्या यहाँ पे कुछ खरीदारी भी कर रहे हैं? देखिए चुनिंदा चीजों पर आपको खरीदारी डेफिनेटली करनी चाहिए, और जैसा मैंने पहले बताया कि बैंक्स के नतीजे काफी अच्छे आ रहे हैं, बैंक्स कह लें, एनबीएफसी कह लें, स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे आए थे, एमएनएम फाइनेंशियल्स के नतीजे अच्छे थे, तो मुझे लग रहा है कि आपको चुनिंदा इन सारे शेयर्स में कहीं भी अगर निचले स्तर मिले आपको तो आपको जरूर लेनी चाहिए पोजिशंस, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में काफी अच्छी गिरावट हुई है, ऊपर से 800 रुपए के करीब गया था, 700 के आसपास आ चुका है, तो ये सारी बैंकें आपको एक तरह से कहने की मौका देती हैं। और लास्ट टाइम हमने इंडसइंड बैंक की भी बात की थी और कल इंडसइंड बैंक 1000 रुपए के मतलब परसों था और वापस से गिर गया, तो यहाँ पर अगर फिर से 1000 रुपए के ऊपर निकलता है तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनती है। तो पीएसयू बैंक को भी ध्यान रखें, अभी कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकें अच्छा कर रही हैं, या बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो जहां पर जो परफॉर्मेंसेस के पॉकेट हैं या जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस है, सारी जगह पे नहीं लेकिन कुछ जगह जरूर आपको पोजीशंस रखनी चाहिए। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर पे नजर है संतोष सर की, और कारण क्या या जिस तरीके की चीजें हैं वो हमें दिख भी रही है, बैंक निफ्टी आज कहीं ना कहीं लीड कर रहा है बाजार को, कह लें अगर 1.5% से ऊपर की तेजी के साथ में रिकवरी आती हुई बैंक निफ्टी के अंदर में, और उसी को कहीं ना कहीं ट्रेल करता हुआ निफ्टी भी है, तो थोड़ा सा पीछे है 1.4 के आसपास निफ्टी में तेजी और 1.5 से ऊपर की बैंक निफ्टी में तेजी। ठीक है सर, कोई स्टॉक स्पेसिफिक कोई रिकमेंडेशन या कोई राय इसके अलावा? स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं, मैं जैसे मैंने बताया तमाम काउंटर्स को देख सकते हैं, हैवल्स के कल नतीजे आए थे वो भी ठीक ठाक ही थे, ऊपर से अभी 100 रुपए से ज्यादा गिर चुका है तो वहां एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वोल्टाज में काफी गिरावट हुई है, वो भी 100-150 रुपए ऊपर से गिर चुका है, तो ये तमाम काउंटर्स जो कि आपको कंज्यूमर स्पेस में है, अच्छी कंपनियां हैं, आने वाले दिनों में सेक्टर्स के एक्सपेंशन मतलब ये सेक्टर की डिमांड्स रहेगी, कंपनियां अच्छी कर रही हैं, अच्छे मैनेजमेंट हैं, तो वहां पर भी आपको इन स्तरों पर काफी अच्छे बार्गेन एंट्री मिल रही है। ये है कुछ एक सेक्टर्स और कुछ एक ऐसे स्टॉक्स जो कि संतोष सर कह रहे हैं कि अपने रडार में रखें और इस गिरावट में वहां पे एक्युमुलेशन या खरीदारी का मौका हो सकता है।